ग्राम सभा का तो मतलब ही है कि मुखिया जो होते हैं वो एक सीएम के जैसा होते हैं। जनता का भी यही उम्मीद भी रहता है कि मुखिया अगर एक बार अगर कह दे तो काम हो जाएगा। ये जो 3 तारीख का जो मुख्य सम्मेलन है, उस सम्मेलन में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी निभाएं, आए, सुने और अपनी जो समस्या है उन समस्याओं के मान्य मंत्री जी के पास रखें, डायरेक्टर साहब के पास रखें। झारखंड में पहली बार साल 2010 में मुखिया चुनाव हुए, उसके बाद 2 दफा फिर से चुनाव हुए हैं, लेकिन आज भी झारखंड के जितने भी मुखिया हैं वो ठगे से महसूस कर रहे हैं। और खासकर गांव के लोग जो मुखिया से जुड़े हुए रहते हैं, गांव के विकास से जुड़े हुए रहते हैं, वो भी ठगे से महसूस करते हैं, क्योंकि उनकी शिकायत हमेशा से रहती है कि मुखिया उनके लिए काम नहीं कर रहा है, सड़क नहीं बन रहा है, नाली नहीं बन रहा है, जो विकास से जुड़ी हुई गांव की योजनाएं हैं वो काम पूरा नहीं हो रहा है। आखिर मुखिया ऐसा क्यों मजबूर हैं, उनके साथ किस तरह की चुनौतियां हैं और इसे दूर करने के लिए क्या उम्मीद करते हैं, यही बात करेंगे। एक ऐसे ही मुखिया मेरे साथ है, पत्रस तिर्की हैं ये। पत्रस जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बताएंगे कि आप 1 साल हो गया नए नए मुखिया बने हैं, गांव के लोग क्या सोचकर आपको वोट किए थे और उनकी उम्मीदों पर आप 1 सालों में क्या खरा उतर पाए हैं? पंचायत के जो जनता है वो बहुत सारे उम्मीदों के साथ हमें चुनाव जिता के पंचायत में भेजे हैं, और उन सभी को जो समस्या है उन समस्याओं को समाधान कर सकते हैं, इस हैसियत से उन्होंने हमें चुनाव जिता के भेजे हैं। और उन्हें उम्मीद है कि जैसे इनको चुनाव जिता के अगर भेजते हैं तो ये हमारे जो समस्या है, जो हमारे साथ दिक्कतें हैं, वो सारे दिक्कतों का समस्या का समाधान करेंगे, यही सोच के हमें भेजे हैं। आप अपने एरिया में क्या कुछ वादा किए थे और क्या इन 1 साल में पूरा कर पाए हैं? चुनाव के दौरान हम बहुत सारे सभाएं की, और सभाओं में जा जाकर हमने यही कहा कि आपकी जो रोड है, जो आपकी पानी की जो समस्या है, आपका पेंशन की जो समस्या है, आपके राशन कार्ड की जो समस्या है, समस्याओं का समाधान हम लोग करेंगे। हो पाया ये सब? ये बहुत कुछ तक हो पाया है, और जैसे रोड की जहाँ तक बात करें तो रोड भी एक रोड हुआ है और बाकी रोड अभी बचा हुआ है। कोशिश करेंगे कि ये भी रोड का हम समस्या जो है इसको भी हम समाधान करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ दिक्कत भी आता है? दिक्कत तो बहुत सारा है, जो चूँकि पंचायती राज में मुखियाओं का जो फंड का जो पावर होता है वो 5 लाख का ही सीमित होता है, तो 5 लाख से ऊपर हम लोग कर नहीं सकते हैं, और 5 लाख का ऊपर 5 लाख तक का जो काम जो है वो आप जान ही सकते हैं कि 250-200 फीट ढलाई रास्ता अगर करना हो तो ढलाई रास्ता उतना ही का हम कर सकते हैं, चाहे आप फेवर ब्लॉक में अगर हम करेंगे तो 250 से 200 फीट, 300 फीट, 400 फीट हाइट भी उतना ही तक कर सकते हैं, उससे हम ऊपर नहीं कर सकते। तो ये सारी समस्या है, और पंचायत में बहुत बड़ी बड़ी रोड है, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर ऐसा रोड भी है जिसमें हम नहीं कर सकते, वो हमको उनके लिए हमको विभागीय थ्रू से कराना होगा, माननीय मंत्री जी के माध्यम से कराना होगा, मंत्री सांसद जी से कराना होगा, विधायक जी से कराना होगा, उनके अनुशंसा पर ये सारा रोड होगा। तो ये सारा पावर माननीय मंत्री जी के पास है, माननीय सांसद जी के पास है, तो ये अच्छा, काम कोई भी काम होता है योजना का, गांव में कुछ काम कराना होता है तो आपके लिए पंचायत सचिव होते हैं, सीओ होते हैं, वीडियो होते हैं, वो क्या सहयोग करते हैं, कितना सहयोग करते हैं? आप कहीं भी तो मजबूर नजर आते होंगे कि कुछ अगर एक्स्ट्रा पावर होता वो उनसे हमको निर्देश नहीं लेना पड़ता, बल्कि हम निर्देशित करते उनको और मेरे अनुसार वो काम होता, ऐसा लगता है? ग्राम सभा का तो मतलब ही है कि मुखिया जो होते हैं वो एक सीएम के जैसा होते हैं, और जनता का भी यही उम्मीद भी रहता है कि मुखिया अगर एक बार अगर कह दे तो काम हो जाएगा, ऐसा जनता को लगता है। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं ये जो प्रोटोकॉल है और ये जो सिस्टम है उस सिस्टम के माध्यम से चलना पड़ता है, और उस सिस्टम के माध्यम से चलने पर हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो लगता है हम लोग को भी महसूस होता है कि अगर वो पावर हम लोग को डायरेक्ट मिले तो हमको लगता है कि हम साल भर में पंचायत की जो समस्या है वो समस्या का समाधान कर देंगे। बिल्कुल, पावर, अधिकार
की बात हो रही है, मुखिया डिमांड कर रहे हैं और इनकी जो मजबूरी है, चुनौती है, उसको सरकार के सामने रखना चाहते हैं। और ऐसे ही बातों को रखने के लिए झारखंड में पहली बार मुखिया सम्मेलन 2023 हो रहा है, 3 दिसंबर 2023 को। निश्चित रूप से ये जो प्लेटफॉर्म है मुखियाओं के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। आप इस सम्मेलन से क्या कुछ उम्मीद करते हैं कि ये जो 3 दिसंबर 2023 को मुखिया सम्मेलन होने जा रहा है, इससे मुखियाओं को फायदा होगा? 3 दिसंबर 2023 को जो मुख्य सम्मेलन जो हो रहा है और हमारे विभागीय मंत्री साहब वहां पर रहेंगे, पंचायती राज के डायरेक्टर साहब रहेंगे, तो हम लोग को जो समस्या होती है, जनप्रतिनिधियों की जो समस्या है और बहुत बहुत कुछ ऐसा जो है जो मुखिया जी की यहाँ समस्या हो रही है, चाहे मुखिया को अधिकार नहीं मिल पा रहा है, वो अधिकार को हम सभी मंत्री जी के यहाँ रखेंगे और हमें उम्मीद है कि अच्छा इसका अच्छा एक मैसेज जाएगा और एक अच्छा उसका सम्मेलन का सबके यहाँ एक अच्छा मैसेज जाएगा और उम्मीद है कि हमें वो विकास में वो गति लेकर आएगा, ऐसा उम्मीद है। आपके जैसे तमाम गांव के लोग और दूसरे पंचायतों के मुखिया भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस शो को देख रहे हैं, उनसे ये क्या कहना चाहेंगे आप? हम सभी मुखियाओं से यही कहना चाहेंगे कि ये जो 3 तारीख का जो मुख्य सम्मेलन है, उस सम्मेलन में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी निभाएं, आए, सुने और अपनी जो समस्या है उन समस्याओं के मंत्री जी के पास रखें, डायरेक्टर साहब के पास रखें, ताकि वो समस्या का समाधान हो पाए और अच्छा बेहतर एक झारखंड का पंचायत जो है उसको बेहतर बनाने में आए और उसमें भागीदारी निभाए। बिल्कुल, हर मुखिया और हर गांव वाले को इस कार्यक्रम से जुड़ना है और इसकी पूरी जानकारी लोकल खबर और लोकतंत्र 19 उपलब्ध करा रहा है और इससे सीधे सीधे जुड़ा हुआ है, क्योंकि लोकतंत्र 19 और लोकल खबर भी इन मुखियाओं की चुनौतियों को अच्छी तरह से समझता है और इस कार्यक्रम में पूरी तरह से सहभागिता निभा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि जो लोकतंत्र 19 और लोकल खबर पे जब आएंगे, उनके वेबसाइट पे आएंगे, तो उससे जुड़ा हुआ तमाम जानकारी आपको मिलेगा और यहाँ पर आप देखेंगे और जानेंगे कि आप इसमें कैसे शामिल हो सकते हैं, आपके क्षेत्र के जो मुखिया हैं वो कैसे शामिल हो सकते हैं। पूरा विवरण दिया हुआ है, वहां पर ऑनलाइन फॉर्म भी उपलब्ध है, उस पर आप जाके सारी जानकारी आप दे सकते हैं। और जो यहाँ पर 1100 मुखियाओं को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, तो कोशिश करिए कि आपके क्षेत्र के जो मुखिया हैं वो जरूर से जरूर रजिस्ट्रेशन कर लें। और खेलगांव स्थित जो इंडोर स्टेडियम है वहां पर ये 3 दिसंबर को कार्यक्रम होना है, तो उसमें भाग लें। हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।